अभी लास्ट में एक और सवाल आप रखिएगा कि सलमान खान से आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग ये देखते हैं सलमान और राखी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आप सलमान खान से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं सलमान भाई और राखी भाई बहन का रिश्ता क्या है, मुझे पता नहीं, बिकॉज एक डेढ़ साल में तो मैंने कभी भी नहीं देखा सलमान भाई उनसे बात करते हैं, कुछ भी मैंने नहीं देखा, वो तो मीडिया ट्रेल वो खुद ही करते रहती है। सलमान भाई मेरे भाई हैं, ठीक है भाई हैं, मेरे भी तो भाई हैं, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उनको पर्सनली ना जानता हूँ ना मैं उनको कुछ भी करता हूँ। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम है सलमान खान, और वो राखी को जो कहते हैं वो मानती हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे सलमान खान को? सलमान सर से मैं क्या ही कह सकता हूँ, जो भी मेरे साथ हुए हैं ये चीज़ें, मैं डेफिनेटली एक दो बात कहूँगा, मैं छुपने बैठने वाला हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट क्या, मैं तो नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे जस्टिस चाहिए, मैं जस्टिस लेके रहूँगा, मैं करके ही रहूँगा, मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं वॉट एवर इट इज़ मैं करने वाला हूँ, लेकिन जो भी मैं लीगल स्टेप्स लेने वाला हूँ मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं कोर्ट जाने वाला हूं, मैं बहुत कुछ करने वाला हूं राखी के अगेंस्ट। हमको जो भी कहना है हम कोर्ट भाई आपको लव जिहाद भारी पड़ा। हाउ इट इज हाउ ये अच्छा, ये लव जिहाद कैसे हो सकता है मुझे बताओ। आप बताओ मुझे, आपके साथ ये राखी करती तो आप सुलह करते हैं? 6 महीने जेल काटते हैं जेल में, आप 14 किलो आप लूज कर चुके हो, आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली आपको नहीं मिल रही है, फैमिली की इज्जत दाव पे लगा दिया है, मैसूर में आके नाटक कर रही है, मेरी फैमिली को उसने हरास किया है, मेरी मॉम डैड को उसने हरास किया है कि मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े करवा दूंगी, अगर वो नेक्स्ट मुंबई में दिखा मीडिया के सामने आया तो टुकड़े करवा दूंगी। आना जरूरी था ना भाई, मैं आपसे बोल रहा था 10 बार सोचो, डरना इतना ही डराओ जितना इंसान डर सके, मैं आपको इतना ही डराना चाहिए जितना आप डर सकोगे।